आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तार पार्टी रावड़ी आवास पर शुक्रवार शाम को शुरू हो गई है। विभिन्न पार्टियों के नेता यहां पहुंचने लगे हैं। अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री शहनवाज हुसैन, चिराग पासवान, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह पहुंच चुके हैं। सीएम को तेजस्वी यादव ने खुद रिसीव किया है। इससे पहले 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार रावड़ी आवास पहुंचे थे। बता दें कि विधान पार्षद चुनाव में बेहतर प्रदर्शन, फिर बोचहा उपचुनाव में मिली जीत के बाद 10 सर्कुलर रोड पर हो रहे इस जलसे को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इसी बीच रावड़ी आवास के बाहर पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी देखी गई है। पत्रकार अंदर जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। हालांकि तुरंत मामले को शांत करा लिया गया है। इस बीच इफ्तार पार्टी से पहले लालू यादव को मिली जमानत ने इफ्तार पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। सूबे के बड़े नेताओं के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। हालांकि उनके आने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अमित शाह को आमंत्रित करते हुए तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, रमजान के मुबारक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावत इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मंशा तो उसी की राह से है। वहीं LJP के सुप्रीम चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। वो खास तौर पर इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव के दावत इफ्तार में जाया करते थे, इसलिए वो भी आए हैं। लालू परिवार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मुकेश सहनी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी समेत प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है। बताया जाता है कि इफ्तार में बातरखानी खास होगी। इसे बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर आए हैं। इसमें चना दाल की कचौड़ी, बैंगन, दो तरह की मिठाई आदि भी खास होगी। अतिथियों का स्वागत रूह अफ़ज़ा के साथ शरबत से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।